हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका लिमिटेशन एक्ट मॉक थर्ड में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए सूट बाय ए पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी टू एनफोर्स ए राइट टू शेयर देयर इन द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स अंडर आर्टिकल 110 ऑफ शेड्यूल बिगिंस टू रन इज कब से शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सक्लूजन, व्हेन द एक्सक्लूजन बिकम्स नोन टू द प्लेंटिव, व्हेन द प्लेंटिव मेक्स नो His intention to recover possession, the date of refusal to hand over possession to plaintiff. बताइए, answer is when the exclusion becomes known to the plaintiff. Next is, what is the period of limitation for a suit by or on behalf of government of India or a state government? बताइए limitation period. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ से सूट फाइल किया जाता है उसके लिए कितना टाइम पीरियड है? 60 ईयर्स, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स, 6 ईयर्स। आंसर इज 30 ईयर्स। नेक्स्ट इज, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट इफेक्ट ऑफ डेथ बिकम्स एक्यूरल बिफोर एक्यूरल ऑफ राइट टू शू इज प्रोवाइडेड? कौन से सेक्शन में दिया गया है राइट टू शू से पहले डेथ का इफेक्ट क्या होगा? सेक्शन 16, 18, 19, 20। आंसर इज सेक्शन 16। नेक्स्ट इज, व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट? लीगल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है लिमिटेशन एक्ट के अंडर? परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी, पार्शियल बट सीरियस फिजिकल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ड्यू टू पॉवर्टी, नन ऑफ द अबो। बताइए लीगल डिसेबिलिटी किसको कहेंगे? आंसर इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबो। आंसर नेक्स्ट इज, ईजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट? ईजमेंट कौन से सेक्शन के अंडर दिया गया है, किसमें डिफाइन किया गया है? 2F में, 2G में, 3G में या 3F में? आंसर इज ऑप्शन ए, 2F। नेक्स्ट इज, इन द मैटर्स ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5, सेक्शन 5 के अंडर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है उसके अंडर बताना है, जो सूट होगा रिलेटिंग टू गवर्नमेंट होगा तो स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ एवरी डेज डिले बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ एवरी डेज डिले बाय द गवर्नमेंट शुड बी इंसिस्टेड, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ एवरी डेज डिले बाय द गवर्नमेंट मे नॉट बी इंसिस्टेड, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ एवरी डेज डिले बाय द गवर्नमेंट मे बी इंसिस्टेड अपॉन। बताइए, जो हर दिन जितना भी डिले हुआ है वो हर दिन उसका इंसिस्ट होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए, आंसर इज ऑप्शन ए, शुड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू एक्नोलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट? एक्नोलेजमेंट के रिगार्डिंग बताना है सेक्शन 18 के अंडर करेक्ट कौन सा है। एक्नोलेजमेंट कैन नॉट बी अनडेटेड, कैन बी मेड टू ए पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी, एक्नोलेजमेंट नीड नॉट टू बी इन राइटिंग, या कैन बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आंसर इज एक्नोलेजमेंट कैन बी मेड टू ए पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज, स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सी नहीं है। इन कंप्यूटिंग स्टेटमेंट ये है, इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी अपील द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज़ टू बी रिकॉन शैल बी इंक्लूडेड, इंक्लूड होगा वो डे। या सेकेंड है, इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी अपील द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेन ऑफ वाज प्रोनाउंस्ड, जिस दिन प्रोनाउंस हुई है और डिक्री की कॉपी ऑब्टेन करने वाला जो टाइम है वो एक्सक्लूड होगा। बताइए, आंसर इज स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ओनली बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज, बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन A has acknowledged in writing the amount due as debt from B and has promised to pay. What is the effect of such acknowledgement? क्या इफेक्ट होगा उस एक्नोलेजमेंट का? फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ सच एन एक्नोलेजमेंट। नेक्स्ट इज, इफ ए प्लेंटिफ टेक्स पोजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड शॉप बाय वे ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, इट इज़ नॉट ओपन टू हिम टू टेक प्ली दैट ही एक्वायर टाइटल बाय एडवर्स पोजिशन, फिजिकल पोजिशन, कॉरपोरल पोजिशन, एक्सक्लूसिव पोजिशन। आंसर इज एडवर्स पोजिशन। नेक्स्ट इज,
सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, सेक्शन 15 किस पे अप्लाई करता है? आंसर इज सोर्स एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज अवेलेबल टू द प्लेंटिफ. कब अवेलेबल होगा बेनिफिट 14 का, इनमें से पढ़िए और बताइए. आंसर इज वेयर ए सूट हैज़ बीन विड्रॉन अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 ऑफ CPC विद परमिशन ऑफ ए फाइल ए फ्रेश वन. नेक्स्ट है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट ए न्यू डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड. सूट इंस्टीट्यूशन के बाद नया डिफेंडेंट सब्सटीट्यूट हुआ है. द सूट इज डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड एज रिगार्ड हिम. उसके तो जो नया डिफेंडेंट सब्सटीट्यूट हुआ है उसके रिगार्ड में कब डीम्ड मतलब सूट फाइल किया जाए गया है माना जाएगा, कब माना जाएगा? व्हेन ही वाज मेड ए पार्टी, व्हेन द सूट वाज इंस्टीट्यूटेड, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू बी रिकॉर्ड, नन ऑफ दीज. आंसर इज व्हेन ही वाज मेड ए पार्टी. नेक्स्ट इज लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया गया है. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील फ्रॉम ए डिक्री पास बाय ए कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट टू ए हाई कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री इज कितना होगा? आंसर इज 90 days. नेक्स्ट इज टाइम एक्सक्लूडेड हैज़ टू बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ. जो टाइम एक्सक्लूड किया गया वो किस बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा? इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉपी ऑफ जजमेंट और डिग्री प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड. इन्फॉर्मेशन एज टू कॉपी इज ऑब्टेन बाय द पार्टीज फॉर कोर्ट पर्पजेज. इन्फॉर्मेशन एज टू कॉपी इज ऑब्टेन बाय द पार्टीज फॉर अदर पर्पजेज. इन्फॉर्मेशन एज टू कॉपी इज नॉट प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बट मेड अवेलेबल टू द कोर्ट. आंसर इज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉपी ऑफ जजमेंट और डिग्री प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड. नेक्स्ट इज फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट लेंथ ऑफ डिले इज टू ओनली क्राइटेरिया. लेंथ ऑफ डिले इज नो मैटर, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज द ओनली क्राइटेरिया. लेंथ ऑफ डिले सर्टेनली मैटर्स अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन इधर ए और सी. आंसर इज ऑप्शन बी लेंथ ऑफ द डिले. लेंथ ऑफ द डिले इज नो मैटर, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज द ओनली क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज अंडर द लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट इज. अबेटमेंट सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगानी है उसके लिए कितना टाइम पीरियड है? लिमिटेशन पीरियड 60, 90, 120 days या नन ऑफ दिस. आंसर इज 60 days. आर रिगार्डेड एज कोर्ट फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट. बताइए इनमें से कौन सा है जो कोर्ट माना जाएगा सेक्शन 14 के अंडर? रेवेन्यू कोर्ट, कोर्ट ऑफ वार्ड अंडर जयपुर कोर्ट वर्ड एक्ट 1925, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. आंसर इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट्स रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स इज. डिग्री और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सूट फाइल करना है उसके लिए कितना लिमिटेशन पीरियड होगा? 1 year, 1 to 3 या 3 years, 12 years. आंसर इज 3 years. नेक्स्ट इज द प्लेंटिफ इज एंटाइटल टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइडेड. कब मिलेगा 14 का प्लेंटिफ को बेनिफिट? दैट द सूट मस्ट नॉट हैव बीन एंटरटेन्ड बाय द फॉर्मर कोर्ट फॉर वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. That the plaintiff must be prosecuting his suit with due diligence and in good faith, either A or B, both A and B. Answer is option B, that the plaintiff must be prosecuting his suit with due diligence and in good faith. Next is ground of legal disability provided under Section 6 of Limitation Act are. Section 6 के under legal disability जो दी गई हैं उनमें से इनमें से कौन कौन सी हैं? Minority, insanity, idiocy, all of these. Answer is all of these. Next is when Limitation Act 1963 come into force. बताइए Limitation Act कब आया था force में? Answer is 1st January 1964. Next is an application for bringing on recourse the legal representatives of a party has to be filed within कितने days के अंदर? 30 days of his death.
75 डेज ऑफ द डेथ, 15 डेज ऑफ द डेथ, 90 डेज ऑफ द डेथ. आंसर इज 90 डेज ऑफ द डेथ. नेक्स्ट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्सपायर्ड डिग्री इज. एक्सपायर्ड डिग्री सेट असाइड के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड है? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 15 डेज. आंसर इज 30 डेज. नेक्स्ट इज फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू बिगिन फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इट इज नेसेसरी दैट द एक्नोलेजमेंट मस्ट बी इन राइटिंग मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड साइन बाय द पार्टी अगेंस्ट होम राइट इज क्लेम्ड. ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट. सेपरेट सूट के तौर पर कौन सा क्लेम माना जाएगा? सेट ऑफ काउंटर क्लेम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. आंसर इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज ए बैंक हैज लोन मनी टू बी ऑन 2 जनवरी 2015. द लिमिटेशन अवेलेबल टू द बैंक फॉर शोइंग फॉर रिकवरी ऑफ सैड मनीज फ्रॉम बी एक्सपायर्स ऑन. कब एक्सपायर होगा उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 1 जनवरी 2018, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 2 जनवरी 2016. आंसर इज 1 जनवरी 2018. नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फोरक्लोजर. फोरक्लोजर के लिए कितना है लिमिटेशन पीरियड? 1 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर, 30 ईयर्स. आंसर इज 30 ईयर्स. नेक्स्ट इज ए सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइटल कैन बी फाइल्ड विद इन. इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन का है, टाइटल लेना है उसमें सूट में, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर्स. आंसर इज 12 ईयर्स. नेक्स्ट इज ए सूट फॉर फोरक्लोजर बाय ए मोर्टगेजी कैन बी फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज. फोरक्लोजर का सूट फाइल करना है मोर्टगेजी के द्वारा, उसके लिए प्रेस्क्राइब पीरियड कितना होगा लिमिटेशन का? 30 ईयर्स, 12 ईयर्स, 6 ईयर, 3 ईयर्स. आंसर इज 30 ईयर्स. नेक्स्ट इज फॉर ए सूट फाइल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे सूट फाइल होना है, उसका कितना होगा टाइम पीरियड लिमिटेशन का? 1 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर या 30 ईयर्स. आंसर इज 30 ईयर्स. नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर लीव टू अपियर एंड डिफेंड इज. लीव लेनी है अपियर और डिफेंड की, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 10 डेज. आंसर इज 10 डेज. नेक्स्ट इज सेक्शन 21 डज नॉट अप्लाई इन. सेक्शन 21 किस पर अप्लाई नहीं करता? केसेस ऑफ एडिंग ऑफ ए न्यू प्लेंटिव फॉर द फर्स्ट टाइम. केसेस ऑफ एडिंग ऑफ ए न्यू प्लेंटिव फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा, उसमें प्लेंटिव है, नया प्लेंटिव ऐड करने का, नया डिफेंडेंट ऐड करने का, या पार्टीज का ट्रांसपोर्टेशन, या नीदर ए बी नोर सी. आंसर इज ऑप्शन सी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टीज. नेक्स्ट इज एन एप्रिशिएशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कैन बी फाइल्ड विद इन. स्पेशल लीव की एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके लिए बताइए कितना टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है हमें स्पेशल लीव पटिशन. 30 डेज टू 180 डेज डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट मैटर. 30 डेज टू 90 डेज, 60 डेज टू 180 डेज, 60 डेज टू 90 डेज. आंसर इज 60 डेज टू 90 डेज डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर. नेक्स्ट इज अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ ए जजमेंट बाय कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट. अप्लीकेशन लगानी है रिव्यू की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट में हो सकती है, तो कितने उसमें लगेगी, कितने डेज का होगा टाइम पीरियड? 120 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज. आंसर इज 30 डेज. नेक्स्ट इज ये मैच इट हैं भाई, मैच करने हैं. सूट इन फॉर्म ऑफ पेपर्स कौन सी में आ जाएगा? एक सेकेंड,
हाँ जी, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, चलिए हम वैसे ही देख लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। सूट इन फॉर्म ऑफ पेपर्स, ये कौन से सेक्शन में आ जाएगा? सेक्शन 13। प्रोसीडिंग स्टेट बाय एन इंजंक्शन, इंजंक्शन का कौन से में दे रखा है? सेक्शन 15, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन में डिफेक्ट का 14 एंड फ्रॉड का 17। तो ये है इसका आंसर, आप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड फ्रॉम द सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी ख़त्म होती है तब हमें कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, तो उसका टाइम पीरियड का कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर्स। आंसर इज 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड्स टू सेक्शन एंड द आर्टिकल्स इन द लिमिटेशन एक्ट। आर्टिकल और सेक्शन से रिलेट करती हैं ये स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी करेक्ट है ये बतानी है। आंसर इज, द सेक्शन लेस डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड द आर्टिकल्स प्रेस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपीलेबल इन मैटर्स प्रोवाइडेड देयर इन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर्स। बताइए कितना टाइम पीरियड होगा? जो 3 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड पूछ रखा है। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, नो लिमिटेशन। आंसर इज नो लिमिटेशन। आपको पता है क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन नहीं दे रखी। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 द ईजमेंट राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट आर एक्वायर्ड बाई कॉन्टिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड यूजर फॉर 12 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 60 ईयर्स। आंसर इज फॉर 30 ईयर्स। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 19 ऑफ फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन द पार्ट पेमेंट मस्ट बी। सेक्शन 19 में जो एक्सटेंशन दे रखा है लिमिटेशन पीरियड का, तो उसकी पार्ट पेमेंट कब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? राइटिंग, हैंड राइटिंग में होनी चाहिए या साइंड बाय द पर्सन होनी चाहिए? इधर ए और बी, बोथ ए एंड बी। आंसर इज इधर ए और बी, या तो हैंड राइटिंग में हो या फिर साइंड हो। नेक्स्ट इज, अंडर लिमिटेशन एक्ट एंड सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एज वेयर इन द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट द लिमिटेशन वुड बी। लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में कोई किसी ऑफेंस के लिए किसी सूट फाइल करने के लिए सूट के लिए कोई पीरियड नहीं दे रखा लिमिटेशन पीरियड, तो उसका लिमिटेशन कितना मानेंगे हम? 1 ईयर, 3 ईयर, 3 मंथ्स या 12 ईयर्स? आंसर इज 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज, सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई। सेक्शन 4 किस पे अप्लाई होते हैं? ये तो आसान सा है, ओनली इफ एंड ऑन द ओपनिंग डे द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। नेक्स्ट इज, ए जजमेंट वॉज पास्ड ऑन 10th July 2002 एंड द डिक्री प्रिपेयर 25th July 2002। An application for certified copy was made on 11th July 2002 and the certified copy was ready on 1st August 2002 and the delivery of certified copy was taken on 5th August 2002 under section 12 the period of to be excluded is। In mein bata rakha hai ki decree prepare hui is din, judgment pass hui is din और एप्लीकेशन लगाई सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए इस दिन, सर्टिफाइड कॉपी रेडी हुई इस दिन और डिलीवरी हुई सर्टिफाइड कॉपीज़ की इस दिन। तो सेक्शन 12 के अंडर बताना है कि टाइम पीरियड इनमें से कौन सा एक्सक्लूड होगा, काउंट नहीं होगा, जो 11 जुलाई 2002 से 1st अगस्त 2002 तक, मतलब 11 जुलाई को सर्टिफाइड कॉपीज़ लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और सर्टिफाइड कॉपी रेडी होगी थी 1st अगस्त 2002, तो ये वाला पीरियड काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 ए क्लेम बाय वे ऑफ इज ट्रीटेड एज ए क्रॉस सूट। क्रॉस सूट ट्रीटेड एज क्रॉस सूट कौन सा माना जाएगा? सेट ऑफ काउंटर क्लेम या दोनों, या फिर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम? आंसर इज सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, मतलब सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम। नेक्स्ट इज,
इट जजमेंट वॉज अनाउंस ऑन 2 जनवरी 2002। जजमेंट अनाउंस हुई 2 जनवरी 2002 को। डिक्री प्रिपेयर हुई 10 जनवरी 2002 को। एप्लीकेशन लगाई गई 5 जनवरी 2002 को सर्टिफाइड कॉपीज लेने के लिए, और कॉपी रेडी हो गई 15 जनवरी 2002। बताइए अब सेक्शन 12 के अंडर कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा। हमें पीछे क्वेश्चन किया था, अभी वैसा ही है। फ्रॉम 5 जनवरी 2002, मतलब जब से हमने एप्लीकेशन लगाई सर्टिफाइड कॉपीज़ की, वहाँ से लेकर जब तक वो कॉपीज़ रेडी हुई 15 जनवरी 2002, यहाँ तक का पीरियड एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट इज डिले इन फाइलिंग विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड मे बी काउंट ऑन बाय द कोर्ट अपॉन शोइंग सफिशियंट कॉज अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इन द केस ऑफ सूट अपील एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑल ऑफ दीज। ऑर्डर 21 में आपको पता है एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस वाली। आंसर इज अपील। नेक्स्ट इज ए बोरोड ए सम ऑफ मनी फ्रॉम बी, ए ने कुछ मनी बोरो की बी से। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द सूट फॉल्स ऑन ए संडे, जो सूट फाइल करने का लास्ट डे था वो उसको संडे था। ऑन मंडे द नेक्स्ट डे, मतलब लास्ट डे से अगले दिन मंडे को, ए ने रिटर्न एक्नोलेजमेंट दे दी बी को। तो इस केस में क्या होगा, ए शुड फाइल द सूट ऑन मंडे, ए को फाइल करना चाहिए सूट मंडे को, सेक्शन 18 अप्लाई हो जाएगा, या द सूट इज बार्ड, सूट बार हो जाएगा लिमिटेशन से। सूट कैन बी फाइल एनी टाइम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट, या फिर सेक्शन 12 के अंडर सूट फाइल किया जा सकता है किसी भी टाइम। आंसर इज सेक्शन 18 गिव्स ए सर्कमस्टांसिस। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट रिलेट्स टू ए टोर्ट मैंशन इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट इज, जो लिमिटेशन पीरियड दे रखा है टोर्ट के सूट्स के लिए शेड्यूल में, वो कितने ईयर्स का है, 4 years, 3 years, 2 years, 1 year। आंसर इज 1 year। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट का लिमिटेशन पीरियड बताना है कितना होगा। आंसर इज 3 years to 30 years। तो ये था आज का लिमिटेशन एक्ट का मॉक। नेक्स्ट मॉक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।